1000 वर्ष पुराने मंदिर को अचानक बैन कर दिया गया प्रसाद को, किस तरीके से ये तिरुपति की घटना को देखते हुए? जी, तिरुपति आंध्र प्रदेश के जो शायद इस विश्व का ही सबसे अच्छा और आर्थिक पे सबसे नंबर वन पे था, वहाँ पे जो पूर्व की घटना हुई प्रसाद को लेके कि मतलब 300 से अधिक वर्षों से ये घटना लगातार हो रही है, शायद मुझे लगता है इससे बड़ा कोई आस्था पे आघात नहीं होगा कि जो लोग शाकाहारी हैं या जो लोग बिल्कुल धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जो शायद कभी भी किसी प्रकार का लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करते हैं, उनको अचानक से जब ये पता चलता है कि हमने उनके प्रसाद में नॉनवेज लिया है, सुअर गाय या मछली के तेल का सेवन किया है, तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा कष्ट का विषय और कोई नहीं हो सकता है। और जब प्रसाद को लेकर ऐसी घटना हो तो मुझे लगता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बहुत ही बड़ा विषय था। तो हम लोगों ने ये कोशिश करी है कि गर्भगृह के अंदर, चूँकि विग्रह हैं और भोलेनाथ हैं, तो कम से कम वहाँ तक प्रसाद ना पहुँचे। अभी चूँकि हम लोगों को 11 बजे कलेक्ट्रेट में जाके डीएम साहब को भी ज्ञापन सौंपना है, उसमें भी हम यही कह रहे हैं कि जो समय समय पे या तो प्रसाद की जांच होती रहे, या फिर जैसे वैष्णो देवी अन्य जगहों पे सूखे प्रसाद की व्यवस्था है, नारियल की एक घटना हुई तो नारियल बैन हो गया, या जो भी अपना ड्राई फ्रूट्स है वो उनको घर में ही तैयार करते हैं, उनका पाक बनाते हैं फिर वो ले जाते हैं, तो ऐसा सारे श्रद्धालुओं से हमें अनुरोध रहेगा कि वो लोग ऐसा करें। चूँकि अगर प्रशासन कोई व्यवस्था करता है तो उन्हें लगता है कि हम पे कोई फोर्स किया जा रहा है, जब आप स्वतः, चूँकि कष्ट आपको हुआ है, धर्म आपका विशुद्ध हुआ है, तो ये अपने आप से एक इकाई के रूप में ये सहयोग बनता है कि आप लोग कोई भी मंदिर हो, यहाँ तो खैर महादेव का मंदिर है, प्रसाद की इतनी ज़्यादा व्यवस्था नहीं हो पाती है, अन्य अन्य जो भी मंदिर हैं उनको ये सोचना पड़ेगा कि या तो वो मंदिर या कहीं अन्य व्यवस्था करें प्रसाद की। मगर क्या होता है, एक लंबे समय के उसमें समय बाद में या तो उसमें विशुद्धि आती है, कोई भ्रष्टाचार का ऐसा कोई मामला आ जाता है कि शुद्धता उतनी परंपरागत रूप में नहीं रह पाती है। तो मेरा ये कथन रहेगा कि विग्रह तक प्रसाद ना पहुँचे, अगर जो लोग प्रसाद लाए, चूँकि उनके लिए अचानक से ये फैसला लेना कठिन हो पाएगा, चूँकि सारे लोग बाज़ार से ख़रीदते हैं और लेके आते हैं, तो उनसे अनुरोध रहेगा कि आप घर से कुछ भी बनाएं या फल चढ़ाएं या जो भी आपको सही लगे, परंतु अगर कुछ लोग घर के घी के बने का भी पकवान कर सकते हैं, जो बाहर का घी है उसमें टोटली विशुद्धि है, उसमें गड़बड़ी होने की पूर्णतः संभावना है, चूँकि अगर आप देसी घी लेते हैं तो 1000-2000 रुपये किलो है, और वही मार्केट में आपको अगर आप बहुत अच्छा विषय रहेगा, आप बाजार में जाइए उनसे कहिए पूजा का घी दे दीजिए, तो पूजा के घी के नाम पे वो इतना सस्ता देते हैं मुझे नहीं लगता है कि वो घी का कोई किंचित अंश भी उसमें रहता है, तो वो ख़राब ही होगा। तो सारे सिद्धार्थों से आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध रहेगा कि आप लोग प्रसाद या तो घर से लाएं, घर पे भी अगर आपको घर का घी निकले तो लाएं, नहीं तो ऐसा कोई पकवान बना के लाएं जिसमें घी का यूज ना हो, और गर्भगृह तक वही भोग लगेगा जो आप घर से बनाएंगे। बाहर के प्रसादों को अभी शुरुआत में रोक है, फिर धीरे धीरे जब उनको बता दिया जाएगा तो फिर प्रसाद को नहीं चढ़ाने का हम लोग अनुरोध कर रहे हैं।